Good morning, children. How are you all? Hope all are you fine. I'm your maths teacher. Today I teach you math subject. In math subject, we will start from new topic. New topic name is place value. आप लोग जानते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है स्थानीय, वैल्यू का मतलब होता है मान। किसी भी नंबर की स्थानीय मान को निकालना ही हम लोग का क्या कहलाता है बच्चों? प्लेस वैल्यू। आप लोग को समझ में आया? किसी भी नंबर के स्थानीय मान को निकालना ही हम लोग का क्या कहलाता है? प्लेस वैल्यू। आप लोग को समझ में आया? चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे हम लोग नंबर की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल जो लेंगे हम लोग टू डिजिट्स का लेंगे। कितने डिजिट्स का लेंगे बच्चों? टू डिजिट्स का। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बच्चों 45 ले लिया हम लोग ने बच्चों 45। आप लोग को एक चीज बताना चाहेंगे बच्चों, हम लोग का जो प्लेस वैल्यू स्टार्ट होता है वो राइट से स्टार्ट होके किधर की तरफ जाता है बच्चों? लेफ्ट की तरफ जाता है। किधर की तरफ जाता है? लेफ्ट की तरफ। मतलब राइट से स्टार्ट होगा और लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि 5 हम लोग की कौन सी प्लेस पे है। 5 को हम लोग बोलते हैं बच्चों वंस। क्या बोलते हैं? वंस बोलते हैं। 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? वंस के बाद बच्चों क्या आता है? वंस के बाद आता है टेंस। 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? 4 किस प्लेस पे है? टेंस की प्लेस में है। आप लोग को समझ में आया बच्चों? वंस टेंस। अब इसके आगे बढ़ के देखेंगे सेकंड एग्जांपल में। अब 3 डिजिट्स का नंबर लेंगे। जैसे कि हमने ले लिया 345। कौन सा एग्जांपल ले लिया बच्चों? 345। यहाँ पे 2 डिजिट्स लिए हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स लिए हैं। तो अब सबसे पहले देखेंगे 5 हमारी कौन सी प्लेस पे है? 5 हमारे वंस की प्लेस पे है। कौन सी प्लेस पे है? वंस की प्लेस में है। 4 हमारे किस प्लेस में है? टेंस की प्लेस में है। समझ में आ रहा है? 5 हमारी वंस की प्लेस में है, 4 हमारी टेंस की प्लेस में है। 3 हमारे किस प्लेस में आ जाएगा बच्चों? वंस टेंस हंड्रेड। 3 हमारे कौन सी प्लेस में आ जाएगा बच्चों? हंड्रेड की प्लेस में आ जाएगा। अब आप लोग को समझ में आया बच्चों? वन डिजिट्स होता है तो वंस कहलाता है, अगर एक नंबर होता है तो वंस कहलाता है, टू डिजिट्स हो जाएगा तो वंस टेंस कहलाएगा, 3 डिजिट्स हो जाएगा बच्चों तो वंस टेंस हंड्रेड कहलाएगा। आप लोग को समझ में आया? अब एक चीज और बताना चाहेंगे बच्चों, वंस को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, टेंस को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और हंड्रेड्स को हम लोग बच्चों किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग का प्लेस वैल्यू निकलता है। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग लेंगे बच्चों। एग्जाम्पल फर्स्ट में नंबर क्या है बच्चों? 21 है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। 21 में पहले हम लोग 1 की प्लेस बताएंगे, कौन सी प्लेस पे है 1। पहला नंबर हम लोग देखेंगे बच्चों 1 हमारा किस प्लेस में है? 1 हमारा 1 को एज इट इज लिख देंगे, उसकी प्लेस हम लोग बताएंगे। प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी? प्लेस वैल्यू हमारी 1 की क्या होगी? 1s हो जाएगी। सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे बच्चों हम लोग का क्या है? 2। 2 एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। 2 के बाद हम लोग देखेंगे 2 हमारी कौन सी प्लेस पे? 2 हमारे टेंस की प्लेस में है। कौन से प्लेस पे है बच्चों? टेंस की प्लेस में है। अब 2 के आगे देखेंगे कितना नंबर है? 2 के आगे 1 नंबर है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 के आगे जितना भी नंबर रहेगा उतना 0 लगा देंगे। 2 के आगे 1 नंबर है तो यहाँ पे 10 बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे बच्चों? 10 बढ़ा देंगे। अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल जैसे कि हमने ले लिया 368 में पहले सबकी हम लोग प्लेस वैल्यू बताएंगे। 8 की हमारी वैल्यू क्या है बच्चों? 8 को एज इट इज ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 8 के आगे कोई भी नंबर नहीं है। 8 हमारी कौन सी वैल्यू है? 8 हमारी वंस की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? उसका प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों? वंस का प्लेस वैल्यू पे है वो। 6 हमारा किस प्लेस वैल्यू पर है? 6 हमारा टेंस की प्लेस वैल्यू पर है। टेंस की प्लेस वैल्यू पर है और 6 के आगे कितना डिजिट लगा है बच्चों? 6 के आगे 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 10 बढ़ा देंगे। अब आप लोग को समझ में आया बच्चों? अब 3 देखें।
देखेंगे, 3 हमारा किस प्लेस पे है, 3 हमारा हंड्रेड्स की प्लेस में है। 3 हमारा किस प्लेस में है बच्चों, 3 हमारा हंड्रेड्स की प्लेस पे है। जैसे कि अभी आप लोग ने देखा ना, वंस टेंस हंड्रेड, 3 हमारा कौन सी प्लेस पे है, हंड्रेड की प्लेस पे, तो 3 हंड्रेड्स की प्लेस में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हंड्रेड्स। और 3 पे यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे, 3 के आगे देखेंगे कितने डिजिट्स है, 1 2, तो यहाँ पे 2 नंबर बढ़ा देंगे। आप लोग को समझ में आया बच्चों, एक डिजिट होता है तो वंस होता है, 2 डिजिट्स होता है तो टेंस होता है, और 3 डिजिट्स होता है तो हंड्रेड हो जाता है। जैसे कि 6 में देखिए, 6 टेंस मतलब होता है बच्चों 60। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 6 के आगे जितना भी नंबर रहेगा उतना जीरो लग जाएगा, 8 के आगे कोई भी नंबर नहीं था इसीलिए कोई भी जीरो नहीं लगा, और एज इट इज उसको उसका सिर्फ प्लेस वैल्यू बताया गया। प्लेस वैल्यू क्या है, वंस की प्लेस वैल्यू पर है। 6 हमारा कौन से प्लेस वैल्यू पर है, टेंस की प्लेस वैल्यू पर है। इसको इस तरह भी लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं, राइट करते हैं। थर्ड नंबर हमारा, थर्ड 3 हमारा किस नंबर पे है, हंड्रेड की प्लेस वैल्यू पर है, हंड्रेड की प्लेस वैल्यू पर है। 3 को एलिटीज ऐसे, जो भी इसकी प्लेस वैल्यू हो पहले ऐसे भी लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 के आगे देखेंगे कितने नंबर है आगे, 1 2, तो यहाँ पे 1 2 2 डिजिट्स आगे बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 2 2 0 आगे हम लोग बढ़ा देंगे, जैसे कि आप लोग इस एग्जांपल में देख रहे हैं। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं बच्चों कैसे। थर्ड एग्जांपल में लेते हैं 726 ले लिए बच्चों। अब बताइए 6 हमारी कौन सी प्लेस वैल्यू पर है, 6 हमारी वंस की प्लेस वैल्यू पर है, वेरी गुड। 2 हमारी कौन सी प्लेस वैल्यू पे है बच्चों, 2 हमारी टेंस की प्लेस वैल्यू पर है, मतलब यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 के आगे कितना नंबर है, एक नंबर है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 7 हमारी कितनी प्लेस वैल्यू पर है, 7 हमारी 100 की प्लेस वैल्यू पर है। 7 हमारी किस प्लेस वैल्यू पर है बच्चों, 7 हमारे 100 की प्लेस वैल्यू पे, तो 7 लिखने के बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कितने नंबर है आगे, 1 2, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे। अब आप लोग को समझ में आया, चलिए अब इसी टॉपिक पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं कि आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आती है कि नहीं आती है। अभी जो टॉपिक हम लोग ने पढ़ाया है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ही निकालना है इस नंबर की। जैसे कि इसका टॉपिक क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच इन सर्किल डिजिट, जिस जिस नंबर पे सर्किल हुआ है उसका हम लोग को प्लेस वैल्यू निकालना है। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, 327 दिया है ना, तो बताइए बच्चों 7 पहले बताइए किस प्लेस पे, 7 किस प्लेस पे, वेरी गुड, 7 हमारी किस प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे है। 7 के आगे कोई भी नंबर है नहीं है ना, तो यहाँ पे एज इट इज 7 लिख देंगे। आप लोग इस तरीके से भी बच्चों लिख सकते हैं, आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप लोग को लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड हम लोग का क्या है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है 242, तो हम लोग को किसकी प्लेस वैल्यू बताना है, 4 की प्लेस वैल्यू बताना है। 4 में क्या है बच्चों, 4 किस प्लेस वैल्यू पर है, 4 हमारा टेंस की प्लेस वैल्यू पर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 टेंस इज इक्वल टू, मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 के आगे देखेंगे कितना नंबर है, एक नंबर है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब आप लोग को समझ में आया, या फिर आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, 4 टेंस इज इक्वल टू 40। आप लोग को समझ में आया बच्चों, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, 587 में किसकी प्लेस वैल्यू बताना है, 5 की प्लेस वैल्यू बताना है। 5 किस प्लेस वैल्यू पे है बच्चों, वेरी गुड, 5 हमारा हंड्रेड की प्लेस वैल्यू पर है, किस प्लेस वैल्यू पर है बच्चों, 100 की प्लेस वैल्यू पर है। 5 यहाँ लिख देंगे, 5 के आगे पहले देखेंगे कितने नंबर है, 1 2, तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ा देंगे, 2 0। आप लोगों को एक चीज बता देना चाहते हैं बच्चों, चाहे आप लोग इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए, दोनों भी आप लोग का राइट है, ओके बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है 982 में हमें 2 की प्लेस वैल्यू बताना है, तो 2 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या है, 2 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे एज इट इज 2 लिख देंगे। आप लोग को समझ में आया,
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 121 में किसकी प्लेस वैल्यू पूछा है बच्चों, 2 की पूछा है। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 लिखेंगे। 121 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे 2 के आगे देखेंगे कितना नंबर है बच्चों, 1 नंबर है, तो कितना जीरो बढ़ा देंगे बच्चों, 10। समझ में आया आप लोग को समझ में, वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 830 में किसकी प्लेस वैल्यू पूछा है, 8 की प्लेस वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8 के बाद 8 के आगे देखेंगे कितने नंबर, 1 2 नंबर है, तो 20 बढ़ा देंगे, 20 बढ़ा देंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट 431 में 3 की प्लेस वैल्यू पूछा है, तो 3 की प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, कौन से प्लेस वैल्यू पर है, 3 हमारी टेंस की प्लेस वैल्यू पर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 टेंस भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग 3 लिख के आगे जितना भी नंबर होगा उस पे 0 बढ़ा देंगे। समझ में आया बच्चों, जैसे 3 के आगे 1 नंबर है तो 10 बढ़ गया। अब लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 786 में 6 की प्लेस वैल्यू बताना है, तो 6 की प्लेस वैल्यू किस पे है, 6 की प्लेस वैल्यू 1s पे है, किस पे है, 1s पे है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एज इट इज 6 लिख देंगे, क्योंकि 6 के आगे कोई भी नंबर नहीं है। इसको आप लोग अपने क्लास का कॉपी में डेट वाइज डाल के लिख लीजिएगा बच्चों। अब इसी टॉपिक पे आज हम आपको होमवर्क देंगे, देखते हैं आप लोग होमवर्क अपने से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर आप लोग कर लेंगे तो इसका मतलब आप लोग को प्लेस वैल्यू समझ में आ गया। अभी जैसे कि अभी मैंने आप लोग को एक्सरसाइज बताई ना, उसी टॉपिक पे आप लोग को ये होमवर्क करके लाना है। होमवर्क का नाम क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच इन सर्कल डिजिट, जिस नंबर में सर्किल लगा है उस नंबर का आप लोग को क्या निकालना है बच्चों, प्लेस वैल्यू निकालना है। होप आप लोग अपना होमवर्क अच्छे से कर रहे होंगे अपने अपने कॉपी में। स्कूल खुलने के बाद आप लोग की कॉपी हम लोग चेक करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।